हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में। फिलहाल दोस्तों, लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल चल रहा है, जो कि कमेंट सेक्शन एंड इंस्टाग्राम और सभी सोशल मीडिया साइट से जो मिल रहा है, वो ये है कि आखिरकार सई और विराट को मिलने में अभी कितना वक्त लगने वाला है। अब दोस्तों, ये सवाल बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है, क्योंकि किसी भी सीरियल में लीव के बाद एक्सपेक्टेशन होती है कि कहानी एक नए सिरे से शुरू होगी, सब कुछ बहुत ही हैपनिंग होने वाला है एंड सब कुछ बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल सीरियल में लीव आए हुए काफी समय हो चुका है और सई और विराट एक दूसरे के पास तो क्या, एक दूसरे के बारे में उन्हें भनक तक नहीं है कि वो दोनों इस दुनिया में है भी या नहीं है। एक को तो लगता है कि सई इस दुनिया में नहीं रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो ये उम्मीदें हैं, ये ज्यादा दूर नहीं है। आपकी जो ख्वाहिश है वो बहुत ही जल्द सीरियल में पूरी होने वाली है, क्योंकि अब एक सप्ताह के अंदर, यानी कि जो ये आने वाला महासप्ताह होने वाला है, ये आपको जो है काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाला है, क्योंकि यहां पर एक्शन भी है, ड्रामा भी है, इमोशन भी है और यहां पर सई और विराट आपस में मिलने भी वाले हैं। अब आइए शुरुआत से शुरू करते हैं मंडे एपिसोड के साथ ही। यहां पर ये सप्ताह किस तरीके से शुरू होने वाला है और किस तरीके से एंडिंग की ओर जाएगा एंड किस तरीके से ये महासप्ताह हम सभी लोगों के लिए होने वाला है। वेल दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा कि गांव में एक महिला जो है, उसे बच्चा होने वाला है एंड सई जो है इलाज के लिए वहां पर जाएगी एंड सभी लोग जो है यहाँ पर, जो उसका पति है जो कहेगा कि तुम्हें इलाज नहीं करना है, दाइमा है जो वो इलाज कर देगी, लेकिन यहाँ पर खेल जो है वो दाइमा के हाथ से भी निकलने वाला है और फाइनली सई को जो है यहाँ पर जबरदस्ती जो है एंट्री लेनी ही पड़ेगी इलाज के लिए और यहाँ पर सही इलाज भी करने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस इलाज के वक्त के समय बाहर जो है बहुत सारा हंगामा होने वाला है, क्योंकि पूरी तरीके से गांव के लोग इकट्ठा हो जाने वाले हैं। यहाँ पर गांव का एमएलए पूरी तरीके से पीछे पड़ा है सही की, कि उसका काम तमाम करना है, उसे खत्म कर देना है और इसी बात का वो एडवांटेज यहाँ पर लेते हुए नजर आएगा। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर सही जो है बहुत ही पेशेंस के साथ जो है इलाज करते हुए नजर आएगी उस महिला का और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर उसे फेस करने वाले हैं, फेस होने वाले हैं उसके साथ, और यहाँ पर सही जो है फाइनली उसका इलाज अच्छे से कर देने वाली है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर बीच में बहुत बड़े हंगामे हो जाने वाले हैं इस चीज को लेकर कि सही कहीं पर उसकी जान ना ले ले, कहीं बच्चे को, कहीं माँ को खतरा ना हो जाए, और इसको लेकर जो है बाहर एमएलए सभी लोगों को आपको भड़काता हुआ नजर आएगा और सिर्फ सही को परेशान करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, पत्र लेखा और विराट जो है वो रवाना होने वाले हैं उसी गांव के और जहां पर उन्हें सई और सभी मिली थी, यानी कि उसे नहीं मालूम है विराट को कि सभी जो है वो सई की ही बेटी है और उसी की ही बेटी है। तो ऐसे में यहां पर केवल और केवल विनायक के इलाज के लिए जो है वो उस तरफ जाने वाले हैं, और ऐसे में जब विनायक के इलाज के लिए विराट भी उसी गांव में पहुंचने वाला है और विराट को पता चलने वाला है कि जो डॉक्टर मैडम है, विनायक की डॉक्टर आंटी है, वो तो बहुत बड़े खतरे में है और बहुत ज्यादा परेशान भी है। तो ऐसे में यहां पर दोस्तों, आप सभी को इस धमाकेदार ड्रामे के बीच में बहुत शानदार एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि गांव वालों के बीच में सबसे फाइनल सवाल आकर जो हमेशा रुक जाता है वो यही सवाल होता है कि आखिरकार डॉक्टर मैडम आपका पति कहाँ है और आखिरकार सभी किसकी बेटी है। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर इस बार जब ये सवाल उठने वाला है तो इसी सप्ताह के अंदर जो है इस सवाल का जवाब ना तो सभी देने वाली है, ना ही जगताप देने वाला है, ना ही सही खुद देने वाली है, बल्कि सवाल का जवाब जो है कोई और नहीं बल्कि एसीपी विराट चौहान खुद देंगे। और जब सभी को पता चलने वाला है कि सही का पति और कोई नहीं बल्कि फेमस एसीपी आईपीएस ऑफिसर विराट चौहान है, तो यहाँ पर एमएलए से लेकर सभी की खटिया पूरी तरीके से खड़ी हो जाने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर परेशानी सई के लिए तो बढ़ने वाली है पहले, लेकिन सई अपने आप को संभाल लेगी किसी भी तरीके से। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है वो किसी और को नहीं बल्कि विराट को खुद को ही होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सई जो है वो विराट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि सई को लगता है कितने सालों से उसे ढूंढने तक नहीं आए हैं। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर जब सई के बारे में विराट को पता चलेगा और विराट उसके पास जाएगा उसे मनाने के लिए, तो यहाँ पर सई जो है उसे साफ साफ कह देगी कि आप यहाँ से जा सकते हो, ना तो मुझे ना ही सभी को, किसी को भी आपकी यहाँ पर जरूरत नहीं है और आप तो वैसे भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, आपने पत्र लेखा से शादी कर ली है। ऐसे में दोस्तों, गांव वालों के लगेगा कि ये जो पुलिस वाला है वो हमारी डॉक्टर मैडम जो है उन्हें परेशान कर रहा है एंड सई ने जो इतनी सक्सेसफुल डिलीवरी बच्चे की करवा दी है और उस माँ को भी सुरक्षित रखा है। तो ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से गांव वाले एक तरफ से सई के फैन हो जाने वाले हैं इस बार, और यहाँ पर वो सई की सपोर्ट करने वाले हैं और विराट के आगे जो है काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि गांव वाले यहाँ पर विराट को धमकाने तक पर उतर आएंगे कि अगर डॉक्टर मैडम को परेशान किया तो तेरी भी हालत खराब कर देंगे और तुझे भी इलाज की जरूरत पड़ जाएगी। यानी कि ऑल ओवर कहें तो सई और विराट के मिलने के बाद भी बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट जो है यहाँ पर बाकी है और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आप सभी लोगों को देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों ये सप्ताह इसी तरीके से आगे बढ़ने वाला है एंड इसी तरीके का ड्रामा आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपका जो वीडियो था वो बीच में क्यों नहीं आया एक दिन के लिए। तो दोस्तों सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के मैसेज आते हैं, जब एक दिन वीडियो नहीं आता तो लगातार मैसेजेस आने लग जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिलहाल भी आपको बैकग्राउंड वगैरह आसपास का चेंज दिख रहा होगा, कैमरा भी थोड़ा नीचे दिख रहा होगा क्योंकि फिलहाल जो एक कैमरा है इसे किसी भी तरह से सेट कर रखा है, ट्राइपॉड पर भी फिलहाल नहीं है। और मैं फिलहाल होटल रूम में हूँ, यानी कि मैं अमृतसर में हूँ, गोल्डन टेम्पल यहाँ पर है, जो गुरुद्वारा है फेमस, मैं वहाँ पर हूँ फिलहाल और वहीं से ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कंटिन्यू वीडियो पुराने वाले बैकग्राउंड के साथ, पुराने वाले ट्विस्ट के साथ फिर से एक दो दिन में वापस आने वाले हैं। गैप कहीं पर भी नहीं आने वाला है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, वीडियो लगातार आएंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एंड हाँ, कोई भी सवाल है तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।